है और आज भी चल रहा है। सबसे प्राचीन हम है, चीन से भी प्राचीन हम है। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, उत्पन्न हुए विलीन हो गए, ऐसे बहुत है। ग्रीस है, यूनान, मिस्र, इजिप्ट, रोमा, रोम, लेकिन इन सब के पहले हम थे और हम उनके बाद आज भी है और रहेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि ये कभी ना मिटने वाली हस्ती, एंटिटी, इंडिविजुअलिटी, वो ऐसे ही खड़ी नहीं हुई। उसका निर्माण करने में लाख लाख पीढ़ियां लगी। एक गीत में ऐसा कहा है, लाख लाख पीढ़ियां जगी लगी जब हमने यह संस्कृति उपजाई, कोटि कोटि सिर चढ़े तभी इसकी रक्षा संभव हो पाई। कितने आक्रमण हुए विदेशियों से हम पर, और हमको मिटाने का कितना प्रयास हुआ। प्रयाग में अक्षय वट है, वो श्रद्धा का स्थान है, लोग उसकी पूजा करते हैं। हम लोगों को जो संस्कार मिला है वो पर्यावरण प्रेम का ही संस्कार मिला है। वृक्षों की भी पूजा करते, जानवरों की भी पूजा करते, नदियों को, पहाड़ों को, सबको, एवरीवेयर वी सीक डिविनिटी, वी फाइंड डिविनिटी, पवित्रता सर्वत्र मिलती है। इसलिए वट की पूजा होती थी, तो दिल्ली के बादशाह ने उस वट को पूरा तोड़ दिया, खोद के उसकी जड़ भी निकालकर जला दी और रेती से, सैंड से पूरा कर दिया वो खड्डा, और उसमें से अंकुर भी ना निकले, इसलिए लोहे की चादर ठोक के उसको बंद कर दिया। 10 साल के अंदर उस लोहे की चादर को फाड़ के वट वृक्ष का अंकुर निकला। आज भी प्रयाग के किले में अपने मूल स्वरूप में फिर से वट वृक्ष खड़ा है, लोग उसकी पूजा करते हैं। ये सामर्थ्य कहां से आया? ये सामर्थ्य अनेक लोगों के त्याग तप बलिदान से आया। प्राचीन समय से अब तक यह जो हमारी हस्ती है।